नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकेपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आईपीएल के आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का आमना सामना होगा। मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन वह दिल्ली के खिलाफ आज के मैच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और जीत दर्ज करके शीर्ष पर अपनी स्थिति और भी मजबूत करना चाहेगी। यह मैच अभी से कुछ देर बाद यानी कि भारतीय समय के अनुसार दोपहर में 3:30 पर शुरू होगा। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को जब कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेटों से हराया था, तब मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी थी। वहीं मुंबई इंडियंस के अभी 16 अंक है और उनका नेट रन रेट भी काफी अच्छा है, जिससे उनका शीर्ष दो में बने रहना लगभग तय है। दिल्ली के लिए आखिरी दो मैच आसान नहीं होने वाले, क्योंकि उनका सामना टूर्नामेंट की चोटी की दो टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। अगर दिल्ली अपने आखिरी दोनों मैच गंवा देती है तो वो बाहर भी हो सकती है। एक चीज देखना होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम कागजों पर तो काफी मजबूत नजर आ रही है और वहीं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। प्लेऑफ में जगह पक्की होने के बाद अब उसकी टीम बिना किसी दबाव के खेलती नजर आएगी। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पिछले 3 मैचों में नहीं खेल पाए हैं और उनका इस मैच में भी खेलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। इस बारे में हालांकि मुंबई इंडियंस के टीम प्रबंधक ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा आज का मैच खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में जो कि आज खेल सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। एक बार फिर आपको ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। वही कंसिस्टेंट सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर, नंबर 4 पर सौरभ तिवारी, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर कप्तान केरन पोलार्ड, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, नंबर 8 पे जेम्स पैटिनसन, नंबर 9 पे राहुल चहर, नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई इंडियंस कुछ बदलाव कर सकता है, जैसे कि क्विंटन डिकॉक की जगह क्रिस लीन को इस मैच में मौका दिया जा सकता है। लेकिन जहां तक मुंबई के रिकॉर्ड्स और उनके अभी तक के प्रचलन को देखा जाए तो मुंबई इंडियंस अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को जल्दी नहीं हटाते, लिहाजा क्विंटन डिकॉक का खेलना 99% श्योर है। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। एक बार फिर आपको शिखर धवन ओपनिंग करते नजर आएंगे, लेकिन उनका पार्टनर कौन होगा इस पे संशय बना होगा। क्या पृथ्वी शॉ की वापसी होगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स अजिंक्य रहाणे को एक मौका और देगा? तो ये या तो रहाणे या फिर पृथ्वी शॉ सेकेंड ओपनर के तौर पर आज का मैच खेलेंगे। वहीं नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर, नंबर 6 पर मार्कस स्टोनिस, नंबर 7 पर तुषार देशपांडे या फिर हर्षल पटेल में से कोई एक टीम का हिस्सा होगा। हालांकि तुषार देशपांडे ने पिछले 3 मैचों से वो प्रदर्शन नहीं किया है, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लिहाजा टीम हर्षल पटेल के साथ इस मुकाबले में जा सकती है। नंबर 8 पर आपको अक्षर पटेल, नंबर 9 पे अनुभवी रविचंद्रन अश्विन, नंबर 10 पे ककिसो रबाडा और नंबर 11 पे एनरिच नोर्टिए इस बार प्लेइंग 11 के हिस्सा रह सकते हैं। तो ये होगी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 जो अब से कुछ ही समय बाद आपको मैदान पर खेलते दिखाई देगी। आज के मैच में कौन होगा विजेता आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि इन दोनों टीमों में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। मिलते हैं एक और बेहतरीन खबर के साथ, तब तक देखते रहिए एनकेपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।